नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप तो बहुत तरह तरह की आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बिल्कुल सबसे अलग, मैंने शायद ये मुझे जहां तक याद है मैंने कभी नहीं बताया है ऐसा। और दोस्तों इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनली जो लाइव होता है ऑन स्टेज उसकी बात कर रहा हूं आज। जो प्रोफेशनली लाइव होता है स्टेज पर उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए आप स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी दोस्तों जरूर कीजिएगा। वो बहुत अच्छी कमेंट्स, आप लोगों की कमेंट्स जो है दोस्तों वो हमारे जैसे लोगों के लिए और बिल्कुल बिल्कुल टॉनिक का काम करती है ना। तो आप लोग कमेंट्स भी जरूर करें। और बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। बात ये है कि स्टेज पर, ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर जब गायक खड़े होते हैं और उसके साथ कोई ना कोई तो प्लेयर होता है, ढोलक, तबला, कैसियो, जिसको कीबोर्ड कहते हैं, कैसियो तो कंपनी का नाम है, कैसियो हारमोनियम, तो हारमोनियम वाले या कैसियो वाले कैसे बजाते हैं, उनके साथ क्या करना होता है, कैसे सिंगर का, गायक का और हारमोनियम या कीबोर्डिस्ट का वो कोऑर्डिनेशन होता है, ये आज मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। और ये तो आप समझ ही सकते हैं, देखिए जिनको गाना निकालना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन समझना आपको भी जरूरी है, इसलिए कि ये आपको काम आने वाला है। और जब भी आप बजाएंगे तो चाहे स्टेज का हो चाहे आप गाना निकालते हो, वो मतलब सब जगह वो काम आएगा, वो मल्टीपर्पज। जब स्टेज पे काम आ रहा है तो सब जगह काम आएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसमें मैं ये कह रहा था कि गायक के साथ हारमोनियम वाले कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, या गायक हारमोनियम वाले के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, क्या डिमांड गायक करते हैं हारमोनियम वालों के साथ। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं जो होता है। जब गायक स्टेज पे आता है तो कोई भी गाना गाना चाहता है तो सबसे पहले गायक को क्या चाहिए, गायक मांगता है हारमोनियम वाले से या कीबोर्ड वाले से, पियानो वाले से क्या मांगता है वो, कि वो ये मांगता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आप समझिएगा, वो ये मांगता है कि मैं जिस गाने को गाने जा रहा हूं उसका मुझे स्केल चाहिए, मैं किस स्केल से गाऊंगा। वो स्केल बता देता है, गायक जो है स्केल बताता है कि मैं इस स्केल से गाऊंगा, मैं एफ से गाऊंगा, एफ शार्प से गाऊंगा, जी से गाऊंगा, जी शार्प से गाऊंगा, वो बता देता है। और तब हारमोनियम या कीबोर्ड वाले का काम होता है कि वो स्केल देना और तब गायक जो है उस जगह से स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट मैं आउट करूं कि वो कैसे होता है। अब देखिए एक गाने के माध्यम से मैं बता रहा हूं, जिसमें एक गाना है धड़कन मूवी का जो आपने सुना होगा, धड़कन में रहते हो, इस तरह का गाना है ना। तो ये जो गाना है मैं इसी गाने के माध्यम से आपको बता रहा हूं, है ना। तो जब सिंगर ने कहा, गायक ने कहा कि मैं, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि गायक जो है, या पहले आप इस पॉइंट पे आइए कि पहले यहीं पे क्लियर कर ले उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या है कि मान लिया जाए कि सिंगर ने कहा कि मैं इस गाने को एफ शार्प से गाऊंगा, ठीक है, एफ शार्प से गाऊंगा। तो आपको एफ शार्प का मतलब होता है कि पहली काली से म, शुद्ध म, ठीक है,
ये एफ शार्प इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो प्लेयर जो है, वादक जो है, स्केल देता है एफ शार्प मेजर है या माइनर है, तो ये गाना मेजर में है, तो मेजर में। अब सिंगर क्या करता है कि हमिंग लेता है, यानी कि इस सुर में, यानी इस गाने का सा क्या है, इस गाने का सा क्या है, वो मिलाता है अपनी आवाज से, ठीक है। तो हमिंग कर मिलाता है वो आपको, वो स्टेज पर गायक शो नहीं करता है, वो पीछे घूमकर या बिना माइक का ही वो हमिंग करता है। क्या कैसे करता है ये, अब देखिए यहां स्केल पर गया इस गाने का, और गायक करता है क्या बिना माइक का, माइक को ऑफ रखता है। तो देखिए मिल गया, और तब उसके बाद गायक गाना शुरू करता है, धुम दिल की, ऐसा गाता है ना। उसके बाद मान लिया जो भी लाइन है, धड़कन में, है ना, मैं इस गाने के माध्यम से बता रहा हूं, रहते हो, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होता है क्या, रहते हो, और तब शुरू करता है, तुम दिल की धड़कन में, इस तरह से। तो गाना सुरों के अनुसार के पे आधारित होकर वो बढ़ने लगता है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। और देखिए इस गाने में क्या है, अब ये स्टेज पर इस तरह की प्रक्रिया से शुरू होती है। अब देखिए इस गाने में क्या, गाना कहां तक जाता है, मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि गाना यहां 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 यहां, मैक्सिमम गाना इसी गोल से उठता है। देखिए ये भी गाना इधर ही से उठा है ना। अब देखिए गाना कहां जाता है दूर तक, देखिएगा क्या होता है, बाहों में आ जाओ, तो देखिए दोस्तों कहां गया गाना, यहां से शुरू हुआ यहां गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि गाना जो मिडल से शुरू होता है तो गाना इधर रे ग तक जाएगा, कभी म तक भी जाएगा। तो ये देखिए वही हो गया, बाहों में आ जाओ, है ना, आप समझ रहे हैं यहां से यहां तक है, सपनों में खो जाओ, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से स्टेज पे काम होता है, और उसके फिर उसके बाद जो म्यूजिक होती है, म्यूजिक होता है, फिर वही यानी मेन स्केल जो होता है दोस्तों वो यही हो गया, इसका सा ये बना म एफ चार, और यही से ला ला ला, है ना, ला 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 ला। इस तरह से आपको समझ में, उम्मीद करता हूं आ रही होगी बातें। तो स्टेज पे गायक और हारमोनियम प्लेयर या पियानो प्लेयर या कीबोर्डिस्ट इस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई इसमें कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने ये जो है आज इस तरह का स्टेज वाली बात पहली बार शायद बताया है, तो आप इसको समझिए, और इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे करनी चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हमारे ख्याल में मैंने आपको बहुत अच्छा चीज एक बताने का कोशिश किया है, और इससे संबंधित मैं और भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर करें, कमेंट्स में कमेंट्स भी जरूर करें दोस्तों। फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।